बाद इसमें बहुत स्टंट्स भी हैं, एक्शन भी है। आप खुद करते हैं अपने स्टंट्स? जी, मजबूरी है, कोई और करता नहीं, तो जितने किए वो खुद किए, और बस ऐसे किए कि बच गया तो बच गया। मैं जख्मी, आज तक मैं जख्मी हूँ, और ये एक इंजरी है जो कि मैं इस फिल्म के एक दिन पहले से कैरी कर रहा हूँ, तो वो लंबी हो गई है काफ़ी। और फिर मैं शोज़ भी करता हूँ, आपको पता है, और मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं गाड़ियों पर भी चढ़ता हूँ और एक सारा कुछ करता हूँ, तो एक बड़ा, एंड आई टेल यू आई हैव लाइक ओवर 350 शूज़ एंड आई कांट वेयर मोस्ट ऑफ दीज शूज़। Oh God. ये एक अलग मेरी जिंदगी का, मैं आई एंड अप वेयरिंग अ कपल ऑफ शूज, और ये इस इंजरी की वजह से, इस इंजरी की वजह से, तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है जितना भी हमने किया है, इट रियली इज वर्थ इट। आई होप कि लोगों को भी ऐसा लगे। तो वो जो मोटरसाइकिल्स वाले सीन है, दो तीन मैंने देखे, तो उसका कुछ बताएं कैसे किया, हाउ एक्साइटिंग वाज इट, उसकी ट्रेनिंग कितनी ली आपने, कोई इंसिडेंट हुआ? मैं आपको बताऊं, कमाल ये हुआ कि इस फिल्म को शुरू करने से एक साल पहले मैंने हार्ले चलाना शुरू किया। आई एम नॉट अ बाइक पर्सन एट ऑल, लेकिन आपने वैसे ही ऐसे मिड लाइफ क्राइसिस सबको हो रहे थे, तो हमें भी हो गए, तो हमने भी ले ली। एंड देन आई स्लेप्ट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, and I was on highway and I was riding this bike and there's this thing Scala in which everybody speaks and music bhi chala rahe hote hain apni apni marzi ka sara. So main highway pe tha and I came back from Bangkok and I went right after that ride, aur main bike chala raha hu and achanak se maine apni aise aankhein khuli and I looked here and there and I was on the bike. So it was like a brief 5 second ya 4 second. And the very next day maine kaha main ye nahi karna zindagi mein dobara. बट वो दो तीन महीने मैंने पहली बार हैवी बाइक्स इतनी ज़्यादा चलाई, विच हेल्प मी इन दिस मूवी। सो आई डिड एवरी थिंग कम्प्लीटली ऑन माई ओन, और वो बड़े इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, वो मैं देखी थी, वो बड़े अच्छे मजे के सीन ट्रेलर में भी डाले हुए, तो मैं यही भी कहा, ये तो कोई एक ही गो में कर लिए थे वो सारे? नहीं, ये कहां एक ही गो में करता है भाई, कितनी टेक्स करा है अभी? बहुत चलाते रहे, चलाते रहे, ओहो ऐसा वैसा। मैं तो बीच में लोगों को भी पिक करके इधर उधर छोड़ देता था, क्योंकि इतना, मैंने इसकी फिल्म में हर तरह की बाइक चलाई हुई है, मैं आपको बताऊं, चाहे वो वैसे दैट्स ट्रू, सस्ते से सस्ती बाइक हो, फिर फाइनली इज द फर्स्ट, अब तो अपग्रेड होते जा रहे हैं, अपग्रेड। या नबील ने भी सोचा अब थोड़ा, तो वासी चौधरी मुझे हमेशा ये बात कहता है कि तू गरीबों का हीरो है, तो फिर जब मैं JPN में बड़ी कार से निकलता हूँ, कहता अरे यार ये समझ नहीं आ रहा। तो हमने ऑन स्क्रीन अपग्रेड करना है अपने आप को। बट कोई इंसिडेंट हुआ उस पे जब बाइक का कर रहे थे, आसपास जो लोग देख रहे थे उधर से कोई मजे की बात बता सकते? यार मेरे साथ, मैं जब शूट करता हूँ ना, लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि मैं उनके घर का एक आदमी हूँ, सो हम बड़ा, उस हवाले से बड़ा मजा आता है मुझे। हम स्टील मिल में शूट कर रहे थे, हम, मैं और मायरा, कुछ घरों में भी हम जा रहे थे, वो बेचारे लोग इतना प्यार मोहब्बत, और वो तो ऐसा कुछ, लोग बड़ा हेल्प करते हैं। नहीं, मैं अच्छा इंसिडेंट सुनना चाह रही हूँ, कोई खौफनाक या बुरा नहीं, नहीं, खौफनाक मोहब्बत ही सुनना चाह रही हूँ जो लोगों ने की हो। कोई जैसे अच्छा खौफनाक, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि मैं एक, हमारे यहाँ ना सबसे ज्यादा जो फिल्म बनती है किसी भी मुल्क में, वो बनती है सपोर्टिंग कास्ट से। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सपोर्टिंग कास्ट है ही नहीं, जिसको आप जूनियर एक्टर कहते हैं। आप किसी को एक मुक्का इधर मारेंगे ना, वो इधर नहीं जाएगा, वो इधर चला जाएगा। बोले भाई मुक्का आपको इधर मारा है, आपने इधर जाना है? वो कहते हैं नहीं, आप मुझे अब मारो, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा ये। तो ऐसे इस जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये बड़ा फिल्म मेकिंग में आपको तंग करती है कि आपके पास लोग ही नहीं है। आप एक्शन कर तो लेंगे, चलो मैं कर लूंगा, जो पिट रहा है उसका क्या करूं, उसको पिटना भी नहीं आ रहा ना, तो वो एक बड़ा मसला है। I'm telling you, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। Like we were shooting once, actor-in-law का scene था Myra, and we had these 5,000-4,000 लोग हमने जमा किए, if you remember the last scene. अब वो पानी फेंका लोगों से फोन, क्योंकि ले लिए थे, अब people die without their phones and they're not actors, and half of the people ran, they simply left, और हम बैठे रहे थे और लोग जा रहे थे, और मैंने कहा यार, so, this happens, you know? ये बहुत बड़ा interesting, ये बहुत main बातें हैं जो कि आम किसी को समझ नहीं आता। Everybody thinks shooting is just fun, जाएंगे मायरा को देखेंगे, फात को देखेंगे, it's a lot of work, it's a lot of work. तो वो जो चीजें ना मुश्किल वो बनाती हैं actually. और actually production की challenges हैं जो इस साइड पे बैठ के हमें नहीं पता होते, हमें नहीं समझ आते, और अब आप बता रहे हो तो कितना बड़ा issue. And by the way, this is why I was saying yesterday that these unions are important. Very important. Where you have your junior artists, your supporting cast, they know that they will get paid by the end of the day, and this will happen and that will happen, and they will understand it better. So unfortunately, he's so right that we don't have that.
बट इनकी इंजरी का ही मैं सुन रही थी जब मैं आपने बताया कि वो इस तरह नहीं सही तरीके से हैंडल हो सकी हुई. बट आई थिंक एज एन इंडस्ट्री जब ये ग्रो होगा तो फिर ये सब सेक्शंस बनेंगे. कंसिस्टेंट वी आर वेरी एट एन इन्फेंट स्टेज. बिल्कुल. अगेन कंसिस्टेंसी. इट्स कंसिस्टेंसी. एंड जब फिल्म्स बनेंगी तो फिर और लोग इस फील्ड में आके सोचेंगे कि हमें ये एज अ प्रोफेशन करना है. बिल्कुल. यू नो अभी तो हम वो नहीं कर पा रहे. बिल्कुल. ये कौन जीता? आई हैव डन इट. नहीं नहीं आपकी बारी है. बात करें. This is interesting. अभी तो चल रही है. हमारे स्कूटर चलाई आपने. हाँ. How, आपको आती थी पहले चलाना? नहीं सीखी आपने? मैंने बाइक चलाना पहले तो सीखी नॉर्मल. इसके लिए? हाँ. ओह अच्छा. एंड एक्चुअली उसमें मुझे ज्यादा मजा आया. हाँ. बहुत मजा. मुश्किल था या आसान था बाइक चलाना सीखना? ये मैंने खुद ये जानबूझ के किया है आपने. नहीं मैं उसको मुश्किल बनाना चाह रहा था ना बच्चा. चल जेंगा तो क्या. Thank you. नहीं मुश्किल. I don't know. मुश्किल था. Was I? But I think it's. What was मुश्किल? You ride. उसके साथ बैठना मुश्किल था. चलाना क्या मुश्किल? क्या मतलब? आपको कैसे लगा? ऊपर से मैं इससे मजाक कर रहा था उस टाइम पे. And she was so you know वाह don't do this. मैंने पहली दफा मायरा का ना एक अलग रूप दिया. मैंने कहा okay ये तो ये वाला. Because obviously. अच्छा अकेले तो चलाऊं तो ठीक है ना. अब बाहर इस सिटिंग at my back and I'm like and हाँ you were. I was yeah. तंग कर जा रहे थे. And then I realized I should not. This is not the time. Because I was like don't do this right now. Don't do this about it. Dialogue भी बोले. Delivery भी देनी. Exactly. Scooter भी चला. बिल्कुल. But scooty was easy. Scooties are very easy. You know it's nothing. Yeah. So I wish I did have a bike in it because I enjoyed it. In the sequel, inshallah. In the sequel, people will watch it. Yeah. ठीक है. Nobody's talking to you. फायदा हो गया. पेट्रोल इतना महंगा है. सस्ती बात है. मतलब ये कल से जो है ना. Yes, yes. So yeah, but it was a lot of fun. आम आदमी की बात. बिल्कुल. But I'm so glad वो pink color की नहीं थी. वो pink color की नहीं थी. Yes. Because I'm tired of seeing all the scooters जो pink color की होती हैं. My lunchbox is pink today, by the way. Oh, how sweet. This is a nice change. Yeah. Really very Have nice you seen change. It? No. It's my daughter's. I don't know. Cute. 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 आपकी बेटी और बेटे ने क्या कहा? भाई वो आपने देख. By the way, trailer देख के so क्या बोला? So cute. Have you seen it? उन्होंने जो reenact किया है. No, I've not seen it. Oh my God. Oh, you should watch it. And this was they did it like 2 years ago. When the teaser came out, okay, or my daughter was playing Mahira and my son was playing myself, and my nephew, he directed the whole thing. Okay. तो वो इतना कुछ कमाल. मैंने कहा ये बच्चे मैं नबील का मैं तुमसे अच्छा बना लिया. और voice over किसने किया? Yeah, he's my nephew, Ibrahim. वो क्या what does he say? जब वो स्टक भी थोड़ा सा हो जाते हैं. इतने क्यूट है वो. यू हैव टू प्ले इट एक्चुअली व्हेन यू आर. चलाइएगा जरूर चलाइएगा. इट्स रियली क्यूट. रियली क्यूट. नोट्स पे कायदे आजम का की तस्वीर क्यों होती है? अज़लान की क्या रिएक्शन था ट्रेलर देखकर? ओह अज़लान हैज़न्ट सीन इट. ही हैज़न्ट सीन इट. यस अज़लान. वी विल आस्क मोर क्वेश्चंस अबाउट यू नेक्स्ट टाइम. अगर आप अम्मा की चीजें नहीं देखेंगे. देखिए अम्मा की चीजें बिल्कुल नहीं देखते. लेकिन वो एक्चुअली ही इज इंशाल्लाह कमिंग बैक टुनाइट. ही इज गॉन विद हिज फादर फॉर अ हॉलिडे. ओह वाओ. ओके. तो वो पहली बार फर्स्ट टाइम? ओवर भी करता है मेरे साथ मोहब्बत. क्योंकि मैं फातिमा से मेरी बहुत ज्यादा है. अब उससे भी है. अब वो सुन लेगा. दोनों सुन रहे होंगे. तो या तो वो मुझे बहुत खामखा में भी फॉलो करता है हर जगह पे. फातिमा को अब वो शी इज अ बीटीएस फैन नाउ. शी डजंट रियली केयर. ओह तो आप सुन रहे हैं बीटीएस को? नो हेल नो. क्यों? मेरी मर्जी भाई. बेटी सुन रही है आपको भी सुनना चाहिए. सुने टू कनेक्ट विद हर.
सुने व्हाट्स योर फेवरेट बीटीएस सॉन्ग आई डोंट इवन नो यू शुड नो दिस शी इज योर आई कॉल्ड देम कि ये बिहाइंड द सीन्स जिनका नाम है तो मुझे कहा नो पापा इट्स पता नहीं बेन टांग टॉल आई डोंट नो शी स्पीक्स कोरियन भाई शी डजंट सो डज सेड व्हाट इज रॉन्ग विद दिस लिटरली लाइक आई डोंट नो एंड माय डॉटर डजंट स्पीक सिंधी एंड आई सेड व्हाट इज रॉन्ग यू शुड स्पीक सिंधी इंस्टेड सीरियसली